हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज में वो बच्चे जो वन डी एरे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। स्पेशली क्लास टेंथ जो एनसीईआरटी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इसको आप लोग पहले सही से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरे में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है क्या, हमें क्या करना है, ऑड एंड इवन नंबर काउंट करना है। सपोज आपके पास कोई 10 या 5 नंबर दिए हैं, उनमें क्या काउंट करके बताना है कितने ऑड नंबर है और ये कितने इवन नंबर है। सपोज मैंने यहां पर 5 मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 3, 5, 4, 7, 6, 9। सपोज ये 5 नंबर ले लीजिए। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितने ऑड नंबर है कितने इवन नंबर है, तो आप ऐसे देख के बता सकते हैं कि ये सर ये 2 इवन नंबर है और 3 ऑड नंबर है। इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, हमें काउंट करके बताना है कितने ऑड नंबर है कितने इवन नंबर है हमारे द्वारा किए गए नंबर में से। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक एरे की साइज मान ली 10, 10, 5 जो भी आप मान सकते हो अपने हिसाब से कि 5 नंबर के चाहिए। अगर आपको 5 मानना तो आपने 5 का मैंने सपोज एरे की 5 साइज मान ली कि 5 नंबर है और हमने कहा एंटर दे नहीं 5 एलिमेंट ऑफ एन एरे। अब मैंने क्या किया, 5 तक लूप खुलेगा, जैसे हम लोग वैल्यू इनपुट करते हैं वैल्यू इनपुट कर ली, ये मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूँ वैल्यू इनपुट कैसे करते हैं। अब उसके बाद हमने किया है, हमने कहा ए आई मतलब जो आपके एरे एलिमेंट है मोड बाई 2, अगर वो 2 से डिवाइड होने के बाद उनका रिजल्ट 0 आता है। क्या ध्यान देना है, एरे एलिमेंट 2 से डिवाइड होने के बाद उनका रिजल्ट 0 आता है, मतलब उनका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, तो वैल्यू किस में चली जाएगी, इवन प्लस प्लस और ऑड प्लस प्लस में। ये इवन प्लस प्लस और ऑड प्लस प्लस क्या है, ऑड प्लस प्लस की वैल्यू 0 और इवन प्लस प्लस की वैल्यू आपकी 0। क्यों 0 है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कितने ऑड नंबर है या कितने इवन नंबर है। सपोज मैंने 2 डिब्बे पहले बना लिए हैं और एक हमारा ऑड का है और एक इवन का है। अब जितनी भी यहां पर काउंट होते जाएंगे वो इसमें पढ़ते जाएंगे और हमें इस तरह से रिजल्ट दिखा देगा। सपोज पहले नंबर पर डाला 5, तो क्या करेगा 5 2 से करेंगे 2 2 4 1। अब ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगी, जब ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगी तो क्या करेगा, फॉल्स कंडीशन में भेजेगा, मतलब ऑड के पास भेज देगा इसको, क्योंकि इल्स वाला है, फॉल्स कंडीशन इल्स के पास जाएगा ऑड में, तो ऑड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि काउंट लगा इसलिए वैल्यू इसमें बढ़ेगी भी। फिर अगला नंबर 4 आया, 4 को उसने डिवाइड किया 2 2 4 वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, तो इवन की वैल्यू भी 1 हो गई। फिर क्या आया, 7 आया, तो 7 को डिवाइड किया, अब क्या होगा, अब जब 7 को डिवाइड करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्या होगा, फिर वो ऑड वाले पे चले जाएंगे, तो ऑड की वैल्यू अभी कितनी थी, 1 थी, लेकिन अब ऑड की वैल्यू एक और पहुंच गई तो ऑड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरह से फाइनली जब लास्ट वैल्यू आपके पास मिलेगी तो आपके पास इस कंडीशन के हिसाब से ऑड की वैल्यू 3 और इवन की वैल्यू आपको मिलेगी, और बाद में दोनों को हमने क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया। इस तरह से आप हाउ टू काउंट ऑड एंड इवन नंबर्स का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको एक बार अपनी कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।